हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की इंटीजर्स की। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, क्लोजर अंडर द एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एंड एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं ये प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पहला है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन में क्या होता है, अगर हमारे ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, तो जो उनका सम होगा वो भी इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेते हैं। 17 + 23 विच इज इक्वल्स टू 40। यहाँ पे हमारा 17 भी इंटीजर है, 23 भी इंटीजर है और उनका सम आया 40, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। यहाँ पे देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, -10 + 3। -10 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, दोनों का सम कितना होगा, -7, विच इज ऑल्सो इंटीजर। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन में इंटीजर्स के लिए वो सेटिस्फाई करती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारा ए और बी कोई भी तो इंटीजर्स हैं तो उनका सम भी इंटीजर होगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन फॉर द इंटीजर्स। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो a माइनस बी भी इंटीजर ही होगा। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स तो उनका सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, दिस विल ऑल्सो कम इंटीजर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने किया दो इंटीजर ले लिया, फर्स्ट लिखा 7, सेकंड लिखा 9, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, 7 इज एन इंटीजर, 9 इज एन इंटीजर, इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं विच कम्स -2, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन देयर सब्ट्रैक्शन विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। थर्ड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमने ए और बी दो इंटीजर्स लिखे तो अपन को ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, उनका सम इक्वल आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए भी नहीं है और इंटीजर्स के लिए भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेके करेंगे इसके लिए, इट नॉट लिखा हुआ तो नहीं सेटिस्फाई करते। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन का सेटिस्फाई कर ले लेते हैं। हमने दो इंटीजर्स लिया, एक लिया -8, दूसरा लिया -9, हमने दोनों को ऐड किया, कितना आएगा, -8 - 9 इज इक्वल्स टू -17। सिमिलरली बी और कर लो, बी कितना था, -9 था, ए कितना था, -8 था, दोनों का सम सॉल्व करेंगे, -9 - 8 इज इक्वल्स टू -17, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आता है। लेकिन सेम a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं आता। सेम एग्जांपल ले लें तो -8 था, -9 था, इट विल बिकम -8 + 9, दिस इज इक्वल टू 1। एंड b माइनस ए कितना आएगा, b कितना था, -9 - -8 इज इक्वल टू -9 + 8 इज इक्वल टू -1। देखो -1 आ रहा है इधर पे, +1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में सेटिस्फाई करती है, केवल एडिशन में। क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों में सेटिस्फाई कर रही थी, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, लेकिन इंटीजर्स के लिए भी और सेम होल नंबर्स के लिए। अगर हम होल नंबर्स लेते, होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। सिमिलर इंटीजर्स में भी और होल नंबर्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करते।
नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम इंटीजर्स के लिए भी कर सक होल नंबर्स के लिए भी आप करके दिखा सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, ए बी सी कोई भी थ्री इंटीजर्स हैं, तो एडिशन के लिए ए प्लस बी प्लस सी इज टू ए प्लस बी प्लस सी। सेम फॉर इंटीजर्स, सेम फॉर होल नंबर्स। और दूसरा, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए था, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है, केवल एडिशन में सेटिस्फाई करती है। तो इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी ए लिखा हमने, ए इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, ओके, ए इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, सी इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये तीन वैल्यू ले लिया हमने। पहले एल एच एस सॉल्व कर लेते हैं। एल एच एस क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा, ए इज माइनस फाइव प्लस बी इज माइनस थ्री प्लस सी इज माइनस टू, सॉल्व करेंगे इट विल बिकम माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, माइनस थ्री एंड माइनस टू इज अगेन माइनस फाइव विच बिकम्स माइनस टेन। सिमिलरली फॉर द आर एच एस राइट हैंड साइड, आर एच एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस फाइव, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू। ऑन सॉल्विंग इट विल बिकम माइनस फाइव माइनस थ्री एंड माइनस टू, माइनस फाइव एंड माइनस थ्री इज माइनस एट, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टेन, हेयर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयर फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर ए हमारा इंटीजर है इंटीजर्स के लिए, तो ए में क्या ऐड करें कि वो सेम आ जाए, तो ए में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो वो ए बनेगा, या फिर जीरो में क्या ऐड करें कि ए आ जाए, दैट इज इक्वल्स टू में दिस इज द, तो जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स। होल नंबर के लिए क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी, होल नंबर के लिए भी जीरो होगा, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, माइनस एट प्लस जीरो इट विल बिकम माइनस एट, तो माइनस एट में क्या ऐड करें, सेकंड फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं, माइनस ट्वेंटी थ्री में क्या ऐड करें कि माइनस ट्वेंटी थ्री आ जाए, ऑफकोर्स जीरो। सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, जीरो में क्या ऐड करें माइनस थर्टी सेवन आ जाए, तो माइनस थर्टी सेवन ही ऐड करना पड़ेगा, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। थैंक यू।